नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, मैं NDS की साधक हूँ और NDS सबको फॉलो करवाती हूँ। हमारे गुरुजी बीवी चौहान साहब, जिन्होंने 28 साल पहले ये चीज की शोध की थी कि कैसे स्वस्थ रहे, कैसे निरोगी रहे, कैसे तंदुरुस्त रहे, तो मैं हमारे गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। और ये जो सिस्टम है, तो मेरा आज का टॉपिक है कि पूरे घर में किसी को ये सिस्टम नहीं करनी है, सिर्फ किसी एक इंसान को करनी है, तो वो कैसे करेगा। तो मैं आज का टॉपिक इसके बारे में बताना चाहती हूँ। और एक बात और भी कि मेरा न्यू डाइट सिस्टम जो है वो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में नारायणपुरा में मेरा हेल्थ सेंटर है, और मुझे मिलने का समय 4 to 6 इवनिंग का है, और कॉल करने का टाइम सुबह 10 से दोपहर के 12 बजे तक का है। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि, और वो कॉल ऐसे भी आते हैं कि घर के और मेंबर्स को आप फ़ोन करके समझाइए कि मुझे करना है, ये लोग नहीं करने देते हैं, या फिर किसी सभी को करना है और एक के लिए कुछ बनाना पड़ता है, तो भी पूरे घर में प्रॉब्लम आ जाता है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि ये जो न्यू डाइट सिस्टम है वो किसी एक बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है, या किसी को एक को तंदुरुस्त रहना है इसके लिए नहीं है। ये जो सिस्टम है वो पूरे संसार में जितने भी लोग जिंदा है वो सबके लिए है, चाहे वो साधु है या सन्यासी है, पढ़े हुए है या अनपढ़ है, छोटे हैं या बड़े हैं, गर्ल्स है या बॉयज़ है, या फिर चाहे पैसे वाले हैं या गरीब है, कोई भी ये सिस्टम एडोप्ट कर सकता है। तो बात कहाँ पे अटकती है कि अगर पूरे घर में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं तो सभी को ये सिस्टम नहीं करनी होती है। तो ये सिस्टम में क्या है कि एक सिंपल से बताती हूँ, वैसे तो पूरा एक मेथड उसका मैं उसके अलग टॉपिक बनाऊंगी कि ये सिस्टम कैसे फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर आप स्वस्थ हो तो एक टाइम खाना खा सकते हो, और एक टाइम प्रकृति ने जो बनाया है वो खाना है, और दूसरी जो सिस्टम है जो बीमार लोगों के लिए है, तो वो सिस्टम में ऐसा है कि उनको दोनों टाइम प्राकृतिक आहार लेना है, बरोबर है। तो ये तो जस्ट बेसिक बात हुई, इसके अभी डिटेल बहुत सारा इसमें भी जुड़ा हुआ है कि क्या क्या है, कैसे करना है, सुबह से लेकर रात तक कैसे ये फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें मेरा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगी कि अगर किसी पूरे घर में 4 मेंबर्स है तो उसमें से सिर्फ हस्बैंड ने ये यूट्यूब चैनल देखा और उनको ऐसा लगा कि ये अच्छी बात है, या तो फिर उन्होंने ये न्यू डाइट सिस्टम की बुक पढ़ी तो उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए, या तो फिर कोई उसका फ्रेंड करता है, या फिर कोई उनका परिचित करता है, या किसी को कोई कॉल से बताता है कि ये सिस्टम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो वो एक ही इंसान समझ पाता है कि ये सिस्टम करना जरूरी है या अच्छा है। तो जिसने ये सुना नहीं है, जिसने ये देखा नहीं है, तो वो लोग तो पूरी जिंदगी सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, रात को खाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, इंजेक्शन भी खाते हैं, पैसे भी वेस्ट करते हैं, बॉडी भी वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको सही रास्ता पता नहीं है। तो पूरा घर का एक बंदा, मतलब कि एक हस्बैंड की बात कर ले, कि सिर्फ एक हस्बैंड को ये बात पता चली है और उनको करना है, घर में बोलेंगे कि मुझे ये सिस्टम एडॉप्ट करनी है, तो उनकी वाइफ बोलेंगे कि नहीं भाई, तुम्हारे लिए हम अलग से नहीं बना सकते, आप भी ये खाना करो, हम भी पूरे 80 साल से, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, पूरे दिन सुबह में शाम को रात को सब खाते हैं, तो भी हर कोई जिंदा है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, आप क्यों ये सिस्टम कर रहे हो, आप क्यों इतना अच्छा अच्छा खाना छोड़ के ये वाला प्राकृतिक खाना पे आ जाते हो। तो बहुत सारे टॉर्चर करने वाले लोग मिलेंगे। मुझे भी ये सिस्टम जब मैंने स्टार्ट की तो हमारे भी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि बहुत पतली हो गई है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी सब ऐसा नहीं पूछते कि स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, सबसे पहले यही पूछते हैं कि इतनी पतली क्यों हो गई, तो सब टॉर्चर करने लगते हैं। फिर हमारे फैमिली में भी बोलते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी बोलते हैं। तो NDS में एक हमारा बहुत ही अच्छा सूत्र है कि सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग, तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो गीत में भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, तो लोग तो बोलेंगे, लेकिन अपने को क्या करना है, खुद को जो आत्मा बोलती है वो ही उनका पालन करना है। अगर ये सिस्टम करने से आपका 5 किलो या 2 किलो या 4 किलो भी वेट कम हो जाता है, तो भी सब ऐसे बोलने लगते हैं कि कुछ देवा हो गया है, मतलब कि कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई है, धंधे में कुछ लॉस हो गया है, बीवी खाना बना के नहीं देती है, कुछ टेंशन आ गया है, कुछ बच्चे परेशान करते हैं, ऐसी तो क्या बात हो गई है कि पहले आप इतने अच्छे खासे थे और अभी इतने पतले हो गए हो। तो ऐसा नहीं है कि मोटे हैं तो ही स्वस्थ हैं, पतले हैं तो भी स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो पूरे घर में एक बंदा, मतलब कि हस्बैंड, तो उनको करना है। तो इसका हमारे जो ये सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है कि मैं डाइटिशियन हूँ और आपको डाइट प्लान देती हूँ कि सुबह में आपको ये आलू पराठे खाने हैं, 4 घंटे के बाद ये सनफ्लावर ऑयल में या ये फिर कोकोनट ऑयल में या फिर वर्जिन ऑयल में आपको सिर्फ मेथी के पराठे ही खाने हैं, या सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में इतना ही पका के खाना है, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है। ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको करना हो और आपकी वाइफ परेशान हो जाए, ऐसा ये सिस्टम नहीं है। तो उनको तो सिर्फ, जो भी जेंट्स है उनको सिर्फ घर पे इतना बोलना है कि आपको जो भी चाहिए वो मैं लाके दूंगा, आपको जो भी खाना हो वो बनाओ, आपको जो खाना हो वो खाओ, लेकिन मुझे जबरदस्ती करना छोड़ दो। और वो जो बंदा है जिसको अकेले को ये सिस्टम करनी है, तो उसका विल पावर इतना अच्छा होगा कि चाहे घर में कुछ भी पकोड़े बन जाए या कुछ भी दम आलू की सब्जी बन जाए या फिर समोसे बन जाए, छोले भटूरे बन जाए या राजमा चावल बन जाए, लेकिन जिसको ये सिस्टम करनी है तो वो चलित नहीं होगा। तो उसको क्या करना है कि सुबह में एक टाइम, मतलब कि लंच में जो परमात्मा ने बनाया है, जो प्रकृति ने उगाया है, जो धरती माँ ने पगाया है, और जो अमृत भोजन है, हम उसको प्रसाद बोलते हैं, तो वो प्रसाद खा लेने का है। तो उसमें भी कैसे कर सकेंगे कि हर कोई जेंट्स होता है या लेडीज होती है कोई भी, तो कुछ भी लेने के लिए बाहर जाते हैं। अभी तो बच्चे को भी ऐसी आदत होती है कुरकुरे लेने या वेफर लेने, सब बाहर चले जाते हैं। तो वैसे ही ये जो अकेले जेंट्स है उनको ये करना है। तो वो ऑफिस जाते वक्त या आते वक्त अमृत आहार फ्रूट की लारी में से ले लेंगे, जैसे कि केले हैं, तो 365 डे केले पूरी सीजन में मिलते हैं। तो आप बोलोगे कि हर रोज केले खाके तो थक जाते हैं, तो मेरा ये कहना है कि भगवान ने इतने सारे फ्रूट बनाए हैं हर सीजन में, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, इतने सारे फ्रूट बनाए हैं कि उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फ्रूट पे खाना है और उसमें पूरा मंथ आपको पसार कर देना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ्रूट आएंगे, बहुत सारे सलाद आएंगे, बहुत सारी सब्जी आएंगी, तो सब कुछ उसमें भी अलग अलग कर सकते हैं। तो जो भी जेंट्स है वो ऑफिस जाते वक्त या वापिस आते वक्त जहाँ भी अच्छा कुछ भी फ्रूट मार्केट दिखे या सब्जी की लारी दिखे, उनको जो पसंद है वो ले लेने का, और घर पे आके खुद भी खाने का, और अगर किसी को खाना हो तो खा सकता है, नहीं तो सिर्फ घर में इतना ही बोलना है कि मेरा दोपहर का खाना मत बनाना, मैं प्राकृतिक आहार पे हूँ, बस। और फिर शाम को तो एक टाइम खा सकते हो अगर आप स्वस्थ हो तो। हम नहीं बोलते हैं कि शाम को भी पका हुआ खाओ, लेकिन अगर आपको खाना हो तो खाओ। हमारे घर में बनता नहीं है, हम खाते नहीं है, हम खाएंगे भी नहीं जब तक जिएंगे। जब तक है जान तब तक है जहान, तो जब तक जिएंगे तब तक मेरी परमात्मा से ये प्रार्थना है कि मुझे वो ही खाना है जो प्रकृति ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है, जो प्रभु ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, वो ही हम खाते हैं। तो आपको भी अगर शाम को पका हुआ खाना हो तो खा सकते हो, लेकिन नहीं खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हुई जेंट्स की बात। अगर लेडीज़ की बात करें कि पूरे घर में 6 इंसान है तो सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, लेकिन उनको NDS फॉलो करना है, तो उसमें क्या होगा? तो जो लेडीज है उनको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस पड़ेगा पहले 2-3 दिन, क्योंकि खुद को खाना नहीं है, सबके लिए पकाना है, तो लेडीज के लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे कि मैं,
हमारे घर में जो भी ये सिस्टम चालू हुई थी तभी सबसे पहले एक साल हो गया तो मैंने खाना छोड़ दिया था, लेकिन और जो तीन लोग हैं, बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको कभी कभी खाना होता है, सैटरडे संडे खाना बनता है, उनको कभी कभी खाना होता है, अगर बच्चे हैं छोटे हैं तो उनको कुछ अच्छा बना के देना पड़ता है तो मैं बना के दे देती हूँ। तो लेडीज़ को ऐसा होता है कि सबके लिए बनाना है खाना लेकिन मुझे नहीं खाना है, तो ये भी मेंटली विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए और हो ही जाएगा। जब जब आप ये सोचोगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो प्रकृति ने बनाई है, वो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, तो आपको भी वो धीरे धीरे छूट जाएगा पकाने का। तो मेरा भी ऐसा ही है, मैं सबके लिए पकाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे घर पे कोई त्यौहार हो तो 20 लोग का खाना बनाना पड़ता है, तो भी मैं सभी का बनाती हूँ। इतना भी नहीं होता है कि एक चम्मच चख लूँ कि एक पूरी खा लूँ, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मन को समझा दिया है, मेरा विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। और कभी कभी तो मैं शादी में जाती हूँ तो निर्जला उपवास कर देती हूँ कि देखना भी नहीं है, खाना भी नहीं है और कुछ उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो मैं इस तरह से अपने विल पावर को स्ट्रांग कर देती हूँ। तो जो लेडीज है उनको क्या करना है कि सभी के लिए बनाओ, लेकिन दोपहर में सिर्फ लंच में जो प्रकृति ने बनाया है वो खाना है, और फिर शाम को पका हुआ एक टाइम भोजन ले सकते हैं अगर लेना हो तो। तो ये हस्बैंड की वाइफ बात हो गई, अभी एक वाइफ की बात हो गई। अभी कैसे इंसान होते हैं कि सिर्फ एक घर के कोई का एक ही सदस्य, एक जो रहता है बंदा, वो पूरा अहमदाबाद में उनका फैमिली है, लेकिन जॉब के लिए उसको बेंगलोर या पूना या बॉम्बे या कलकत्ता और कहीं पे अकेले को रहना पड़ता है, तो वो कैसे करेगा। तो वो अगर उसको ये सिस्टम करना है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि घर में कोई है नहीं, कोई बनाता नहीं है तो खाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ तो ऐसी तो कोई सिटी है ही नहीं कि जहाँ पे फ्रूट की शॉप ना हो। बरोबर है, जैसे दाबेली की शॉप होती है, जैसे पकौड़ी की लारी होती है, वैसे ही फ्रूट की भी लारी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है या फ्रूट की शॉप भी मिल जाती है। तो वो जो अकेले रहता है कोई इंसान जिसका फैमिली दूर है और उसको जॉब के लिए सिर्फ दूर रहना पड़ता है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई होटल में जाएंगे तो पैसे तो खर्च होंगे, 100-200-500 रुपए तो खर्च होंगे, टेस्ट अच्छा लगा नहीं लगा, अच्छा है नहीं अच्छा है, तबीयत खराब हो गई तो ये सब प्रॉब्लम रहती है, घर वालों को भी चिंता रहती है कि खाया होगा नहीं खाया होगा। इससे तो अच्छा है कि न्यू डाइट सिस्टम अडॉप्ट कर लो। तो उसमें क्या है कि प्रकृति ने जो बनाया है वो सिर्फ एक फ्रिज का मैनेज करना होता है। अगर फ्रिज का भी मैनेज नहीं करो तो कोई बात नहीं, दिन में पूरे दिन में एक बार बाहर जाने का, चक्कर लगा के आने का, और जो भी फल फ्रूट मिल जाता है वो ले आओ और फिर खा लो तो हो गया। और दूसरे टाइम का जो खाना है वो कहीं बाहर जाके या घर पे बना सकता है, या तो फिर मैं तो वहाँ तक कहूँगी कि पूरे दिन में बाहर भी खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रूट ले आओ, फल ले आओ, सब्जी ले आओ, जूस ले आओ, एक जूसर का घर में रख लो, नया जूसर लाके कि गाजर ला दिया तो उसके 2-3 ग्लास जूस पी लिए, ऑरेंज ला दिया तो उसके 2-3 ग्लास जूस पी ले, अभी ग्रेप्स की सीजन है तो ग्रेप्स ले आओ तो ग्रेप्स का 2-3 ग्लास जूस पी लो, तो पूरा दिन तो ऐसे जूस पे निकल जाएगा। शाम को फिर फ्रूट खा लो, सलाद खा लो, तो जो बंदा घर से दूर रहता है वो भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कोई हॉस्टल में रहता है तो उसका भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि फैमिली पूरा अहमदाबाद में है और बच्चा उसका एब्रोड रहता है, तो माँ को सिर्फ एक ही चिंता होती है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सोया कि नहीं सोया, लेटरिंग हुई कि नहीं हुई, पेट साफ रहता है कि नहीं होता है, उसको गुस्सा आता है कि उसको चक्कर आते हैं कि उसको सर दर्द होता है, वो कभी नहीं पूछती है। माँ हमेशा एक ही प्रश्न पूछती है कि बेटा खाना खाया। तो मेरी दृष्टि से ये प्रश्न गलत है, हर बार ये प्रश्न पूछना जरूरी नहीं है कि खाना खाया खाना खाया खाना खाया। तो बच्चों को भी ये इफेक्ट रहती है कि हर बार माँ खाना ही पूछती है, तो पहले मैं खा लूँ फिर बाद में फ़ोन कर लूँ, या तो फिर कुछ ना कुछ पकाएंगे फिर मम्मी को फोटो भेजते हैं कि देखो मैंने खमण बनाए, ढोकले बनाए, मैंने खांडवी बनाई। तो एब्रोड में रह के भी पूरे मैंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ये जो गुजरात में रोटली की जो सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, लेकिन अहमदाबाद से अगर कोई लड़का या लड़की पढ़ने के लिए एब्रोड जाते हैं तो माँ उसको रोटी बनाने का वेलण, उसका जो होता है वो
ओरसिया गुजराती में बोलते हैं तो वो, और फिर उसको आटा, अभी आशीर्वाद का आटा मिल जाता है कहीं पे भी तो आशीर्वाद का आटा, लेकिन सबसे पहले रोटी तो बनाओ। रसिया में जाओ, कनाडा में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, न्यू जर्सी में खाओ जाओ, लेकिन रोटी बनाओ, रोटी और सब्जी, यही हमारा खुराक है। और तो और ये जो अभी कार्गो की जो फैसिलिटी है तो उसमें क्या होगा कि 10 किलो 15 किलो 20 किलो पूरे 6 महीने का नाश्ता भर भर के देते हैं माँ यहाँ पे, बहुत सारा घी डाल के ताकि बिगड़े नहीं, बहुत सारा अच्छा सा तेल डाल के उसमें कुछ भी नाश्ता बना के वो एब्रोड बेचते हैं, और वो बेटा 6 महीने तक वो पुराना नाश्ता खाता है, बरोबर है। तो मुझे ये लगता है कि ये गलत बात है, आप खुद अपने बेटे का पेट बिगाड़ रहे हो, इतना सारा यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो, अपना एनर्जी वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे रहते हो तो वहाँ का खाना खाओ, वहाँ पे भी फ्रूट मिलते हैं, वहाँ पे भी सलाद मिलता है, वहाँ पे भी सब्जियाँ मिलती है, तो जहाँ पे रहते हो वहाँ का खा लो। यहाँ से अहमदाबाद से मंगवाने का, यहाँ से 15-15 किलो का कार्गो करने का, वहाँ पे मिला नहीं मिला, पहुँचा टूट गया, फूट गया, बिगड़ गया, कितनी टेंशन रहती है, लेकिन माँ को ऐसा होता है कि मेरे बेटे को मेरा हाथ का नाश्ता खाना ही कैसे पहुँचाऊँ। अगर इतना प्यार है तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर इंडिया में हो तो इंडिया में पढ़ो, अगर इंडिया में पढ़ो तो इंडिया में जॉब करो, इंडिया में शादी की, इंडिया में बॉर्न हुए हो तो इंडिया में शादी करो, तो फिर ये एब्रॉड जाने की और फिर यहाँ का वहाँ पे खाने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक अलग मैं टॉपिक पे आ गई थी, लेकिन ये मैंने बहुत सारा सुना है कि ये सब कार्गो कर करके यहाँ पे 100-100 किलो 50-50 किलो का नाश्ता यहाँ से बेचते हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। अभी और एक बात कि कई घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ वो दोनों को ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं करनी होती है, सिर्फ उनके मम्मी पापा या सास ससुर उनको ये सिस्टम करनी होती है, तो क्या होगा, तो बहू जो है वो उनको ऐसा बोलेगी कि अगर आप नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, हम जॉब करते हैं फिर आपकी कौन सेवा करेगा, आप दुबले हो गए हो, हम ऑफिस जाएंगे आपको चक्कर आ जाएंगे तो आपका कौन देखभाल करेगा। और फिर ये सिस्टम में ऐसा भी होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं 50-60 साल के ऊपर के, तो उनको दांत का प्रॉब्लम होता है, दांत कहीं होते नहीं है या टूट गए होते हैं तो चबा नहीं पाते हैं, तो हमारी ये सिस्टम में सब नेचर वाला खाते हैं, जैसे ककड़ी खाई, टमाटर खाया, केबेज खाया, तो वो सब सलाड होता है। तो ये जो सलाड है उसको भी ये अभी तो इतना सारे इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, ऑनलाइन पे भी सर्च करो तो चॉपर मिल जाएगा, तो छोटा सा छोटा उसका बारीक कट करके उनको सलाड के रूप में खिला सकते हैं। अगर चलो वो भी नहीं खा सकते, बिल्कुल दांत नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा सा अच्छा जो आहार है वो रसाहार, तो सुबह में 2-3 ग्लास जूस पी लिया, रात को 2-3 ग्लास जूस पी लिया, तो पूरा दिन खत्म। अभी एक ग्लास जूस बनाओगे तो 500 ग्राम ग्रेप्स की जरूरत पड़ती है, पूरा अच्छा सा ग्लास भर के बनाओ और पियो, तो 500 ग्राम जो जूस, 500 ग्राम जो ग्रेप्स होती है तो वो कोई एक इंसान नहीं खा सकता है, तो उनको ऐसा लगता है मेरे इतने सारे ग्रेप्स मैं कैसे खाऊंगा। अगर उसके दांत नहीं है तो उनको जूस निकाल के दे दो, या तो फिर उनको सिखा दो कि ऐसे जूस निकालना है, या तो फिर जूस निकाल के फ्रिज में रख दो कांच की बॉटल में, पूरे दिन तो पी सकते हो, कल नहीं पी सकते लेकिन पूरे दिन पी सकते हो। तो सुबह से लेके रात तक अगर पेरेंट्स को ये सिस्टम करनी है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि किसी को वो मना ना करो कि ये ना करो, आपको नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जिसको करना हो उनको करने दो। और ये सिस्टम में एक और भी एक उल्टी बात भी मैंने सुनी है कि हस्बैंड वाइफ को करना है लेकिन पेरेंट्स नहीं करने देते। पेरेंट्स क्यों नहीं करने देते, क्योंकि उनको खाना भी होता है और उनको खिलाना भी होता है, तो वो ऐसा बोलेंगे कि आपको कमाना है, अभी तो आप छोटे हो, अभी तो पूरी दुनिया देखनी बाकी है, अभी तो आप जवान हो तो आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना सारा टॉर्चर करेंगे, पानी नहीं पिया तो क्यों नहीं पिया, जूस क्यों, खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, सब्जी नहीं खाई, दाल नहीं खाए, चावल नहीं खाए, ऐसे कर करके बहुत सारा टॉर्चर करते हैं कि आप खा लो, बहुत पतले हो गए, बहुत दुबले हो गए, यहाँ तक तो इतना टॉर्चर करते हैं। मुझे भी इतना टॉर्चर हुआ था जब भी मैंने स्टार्ट किया था,
मैंने ये जब स्टार्ट किया तो मैं थोड़ी सी दुबली हो गई थी, तो एक तो मेरी फ्रेंड ने, दूर की फ्रेंड है बहुत, उसने मुझे ऐसा बोला था कि तेरे को टीबी हो गया है क्या, डॉक्टर को दिखवा दो। मैंने कहा कि मुझे टीबी की चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है, जो पूरे वर्ल्ड में टीबी जिसको हो गया है मैं उनकी चिंता करती हूँ, तो मैं किसी का सुनती नहीं हूँ। अगर अच्छा बोलता है तो बरोबर बात है, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है ये न्यू डर सिस्टम क्या है, उसका ज्ञान नहीं है, वो मुझे अगर बोलता है तो मुझे दुख नहीं होता है, मुझे दर्द होता है कि ये जो इंसान है वो पूरा 80 kg या 70 kg या 60 kg वेट लेके सुबह से रात तक पूरे दिन घूम घूम करता है। उनको ये बात पता नहीं है कि उनके कमर में कितना दर्द है, उनको गुस्सा कितना आता है, उनको पैर में कितना दर्द है, उनके घुटने चले गए हैं, तो उनकी सोच उनको नहीं याद आती है। सिर्फ उनको लोगों का ही देखना होता है कि मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुझे टीबी हो गया है क्या, तो बोलने दो, सबका काम है, लोगों का काम है बोलना, तो बोलने दो। हम तो किसी का सुनते नहीं है, हमको परमात्मा मिल गए हैं, हमको तो साक्षात बीवी चौहान साहब मिल गए हैं, जिसको हम परमात्मा ही बोलते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप है, जिन्होंने 28 साल से अनाज छोड़ दिया है तो वो परमात्मा ही कहेंगे। उनके एक एक विचार खुद के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि पूरे घर में अगर ये सभी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक को करना हो तो भी वो कर सकता है, दो को करना हो तो भी कर सकता है। अभी मुझे बॉम्बे से एक आदित्य नाम के लड़के का फ़ोन आया था, वो सिर्फ 14 ईयर्स का है, उसके मम्मी पापा को ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं करना है, लेकिन वो बच्चा जो है उसको कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी उसने यूट्यूब पे चाहे वीडियो देख ली होगी, तो उसके मन में आ गया कि मुझे भी ये करना है, तो पूरे वो एक महीने तक ग्रेप्स के जूस पे रहा या फिर कोई भी फ्रूट पे रहा, और उसने इतना अच्छा उसको फीलिंग आई कि मुझे भी फ़ोन किया, उसने मुझे मैसेज भी किया और वो मुझे मिलने भी चाहता है, लेकिन बॉम्बे रहता है, इतना छोटा बच्चा है 14 साल का। तो मैंने उसको सबसे पहले ये बोला कि मम्मी पापा से पूछ के मुझे फ़ोन किया है कि ये न्यू डाइट सिस्टम के बारे में मुझे ये मैडम से जानकारी लेनी है, तो बोले कि मम्मी को करना हो कि नहीं करना हो, मैं सिर्फ मेरा जूस खुद बना लेता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ तो केले लेके आ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो ऑरेंज लेके चला जाता हूँ, तो मुझे ऐसा खाना नहीं है जिससे मैं भी बड़ा होके बीमार हो जाऊँ और मुझे भी फिर तंदुरुस्ती के लिए डॉक्टर को मिलना पड़े और मुझे मेडिसिन खाना चाहिए, तो मैं ये सिस्टम को फॉलो 100% करना चाहता हूँ। तो वो लड़का अभी सिर्फ 14 ईयर्स का है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, अभी 9 में आएगा, बॉम्बे रहता है, तो वो बेटा इतना छोटा है, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के दूसरी बार आप सबको बोलूँगी कि अगर बच्चे को करना है तो पेरेंट्स भी बीच में मत आओ, अगर पेरेंट्स को करना है तो बुजुर्ग बीच में मत आओ, अगर बुजुर्ग को करना हो तो उनके जो बेटे या बहू है वो बीच में मत आओ, ये परमात्मा का रास्ता है, जिसको स्वतंत्र रखो, हर किसी को स्वतंत्र रखो, जिसको जो खाना हो। मैंने ये बता दिया कि ये सिस्टम से बहुत ही फायदा है, अगर आप एडॉप्ट करो तो अच्छी बात है, अगर एडॉप्ट नहीं करो तो सबसे बड़ी ये बात होगी कि किसी को ना मत बोलो कि ये मत करो, ये करते हैं तो ये पतले हो गए हैं, ये करते हैं तो ये ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। तो ये जो सिस्टम है वो सभी कोई अपनाएगा तो पूरी दुनिया में से मेडिसिन, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन जो हमारा मोटो है वो सक्सेस होगा, और पूरी दुनिया जो है वो हॉस्पिटल के बिना, डॉक्टर के बिना, मेडिसिन के बिना तंदुरुस्त, निरोगी और अच्छे से जी पाएंगी। तो नमस्कार, आभार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर झरना पटेल, थैंक यू वेरी मच।